मेरे प्रिय छात्रों, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। कल रक्षाबंधन था, आप लोग बहुत इन्जॉय किए होंगे, मिठाई एकदम मुंह में, ठीक है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई ये रस्टिंग जो होता है ना भाई, उसका कंडीशन क्या है। ऐसे ही रस्टिंग हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, रस्टिंग होने का बहुत सारा कंडीशन है, तो देखते हैं। तो पहला कंडीशन है कि बाबू, रस्टिंग अगर चाहिए तो एयर चाहिए, उसके साथ साथ मॉइस्चर चाहिए, यानी दोनों चाहिए, एयर भी चाहिए मॉइस्चर भी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी चीज़ मिस रहा तो रस्टिंग तो नहीं होने वाली, पहला नंबर ये जान लीजिए, ठीक है। तो अगर रस्टिंग होना है आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे तो एयर और उसके साथ साथ मॉइस्चर दोनों चाहिए, तभी रस्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी। यस, तो यहाँ पर एक इसको प्रूफ करने के लिए कि भाई यह दोनों चीज़ होगी, एयर और मॉइस्चर दोनों चाहिए रस्टिंग के लिए किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पर, तो आइए यहाँ पर एक NCERT बुक का एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिससे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं भाई सच में एयर और मॉइस्चर दोनों होगी वहाँ पे, तभी रस्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आइए प्रूफ करते हैं एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर तीन बीकर ले लिया गया है, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी नाम दे दिया गया है। पहला बीकर में क्या कंडीशन है वो देखिए। पहला बीकर यानी तीनों बीकर में एक काम क्या किया गया, एक कॉर्क होता है उसको बीकर का उसका मुंह जो है बंद कर दिया गया है। तीनों बीकर में यही काम किया गया है कि एक कॉर्क लाया गया है और उससे पूरा ये तीनों बीकर का मुंह जो है बंद कर दिया गया है। इतना बात समझ में आया? और क्या किया गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि ये जो है यानी एक बीकर में आधा पानी भरा और आधा खाली रख दिया गया। डेफिनेटली है कि जब यहाँ पर कॉर्क लगा रहा होगा, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, मान चलो हम ही कर रहे हैं, तो हम जब ये कॉर्क लगा रहे होंगे तो उस समय जो है ऐसे डालते समय कुछ एयर जो है इसके अंदर चला गया होगा। यानी कहने का मतलब इस चीज़ में यानी इस बीकर में अभी एयर भी है और इसके साथ साथ नीचे आप देख रहे हैं वाटर, ठीक है, वाटर है, ठीक है। तो मॉइस्चर, वाटर है तो क्या है, मॉइस्चर है और उसके साथ साथ एयर है, और यानी इस बीकर में दोनों चीज़ है, एयर भी है मॉइस्चर भी है, समझ में आया। और उसके बाद तीनों बीकर में क्या कर दिया गया है, कील डाल दिया गया। चलिए यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ पर मैं कील डाल देता हूँ, यानी तीनों बीकर में कील डाला गया है, ठीक है। तो ये कील में यानी इस कील को यानी ये कील जो है आयरन नेल जो है आयरन से मिल के बना होगा, तो डेफिनेटली है कि इसमें एयर और वाटर दोनों मिल रहा है। तो यहाँ पर जानते हो एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस आयरन नेल्स को एयर भी मिल रहा है और वाटर भी यानी मॉइस्चर भी मिल रहा है, तो यहाँ पर रस्टिंग की प्रोसेस होने वाली है। हम देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पर, एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो देखेंगे कि भैया इसमें जो है ना आयरन नेल्स पर, इस वाले बीकर में जो आयरन नेल्स है वहाँ पर रस्टिंग हो गई। हाँ भले इसमें कुछ दिन लग जाएगा, लेकिन बीकर ए में देखेंगे कि यहाँ पर आयरन पर जंग लग गया। दूसरा बीकर में क्या था कि देखिए वही बात है सेम, दूसरा बीकर में बस थोड़ा सा चेंज किया गया है कि यहाँ पर पानी तो था और यहाँ एयर भी था, लेकिन यहाँ पर एक ऑयल का मतलब ऑयल का ड्रॉप डाल दिया गया है। ऑयल का ड्रॉप डालने से इस वाटर के ऊपर उसका एक लेयर चढ़ गया, जिसके वजह से यहाँ पर जो एयर होगा यह जो है इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो भाई इसके अंदर जा नहीं पाएगा तो इस चीज़ को यानी इस कांटी को यानी इस आयरन नेल को अभी सिर्फ और सिर्फ वाटर मिल रहा है यानी मॉइस्चर मिल रहा है। अभी तो भाई इसको एयर तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि एयर जो है यहीं तक अटक कर रह जा रहा है, एयर तो तेल के पार जा ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में इस आयरन नेल को सिर्फ वाटर मिल रहा है। तीसरे कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर ले लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम CaCl2। अब एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा हुआ, यानी कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है और ये एनहाइड्रस सॉल्ट है, यानी उस सॉल्ट में कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। यस, अब यह भाई ये क्यों डाल दिया गया भाई, यहाँ पर तो नहीं डाला गया, यहाँ क्यों डाल दिया गया, सवाल तो बनेगा आपका। तो बाबू यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है बाबू, वह जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्ट, समझो तो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये दोनों पहला नंबर ये समझ गए होंगे। तीसरा कंडीशन में क्या किया, तीसरा बीकर में या बीकर सी में यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया गया, पहले से इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा इसके अंदर वह मॉइस्चर क्या कर लिया, कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लिया,
तो इसमें पूरी तरह से इस बीकर में जितना भी मॉइस्चर बाबू था वो सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बैठ गया यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। अब तो इसमें बचा ही नहीं भाई मॉइस्चर एक भी तरह से, अब बचा तो क्या, सिर्फ ड्राई एयर यानी सूखा हुआ हवा बचा, इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होगा। तो इसमें जो आयरन नेल होगा बाबू, इसमें जो आयरन नेल होगा ये, तो इसमें आयरन नेल पे क्या होगा, जंग लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें इस आयरन नेल को सिर्फ ड्राई एयर मिल रही है यानी सूखा हवा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। और इस बीकर में क्या मिल रहा था, सिर्फ वाटर मिल रहा था यानी मॉइस्चर मिल रहा था। तो देखिए इसमें क्या है, इस बीकर में इसको एयर भी मिल गया और मॉइस्चर भी मिल गया, इस वाले में सिर्फ वाटर मिला। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या, इस वाले बीकर में एयर भी और वाटर भी मिल गया, मॉइस्चर भी। इस वाले में सिर्फ वाटर मिला यानी सिर्फ मॉइस्चर मिला, और इस वाले में सिर्फ एयर मिला। तो इस दोनों कंडीशन में एक एक चीज़ मिस था, लेकिन इस कंडीशन में, इस बीकर में तो पूरा चीज़ मिल गया, एयर भी और वाटर भी। और तब जाके यहाँ पर हम कुछ दिन के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये जो सिल्वरी कलर का हम डाले थे, एकदम नया नया आयरन नेल डाले थे, वो उस पर अब जंग लग गया, पूरा ब्राउन कलर का हो गया है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि भाई रस्टिंग ऐसे नहीं होने वाली, रस्टिंग के लिए एयर और उसके साथ साथ मॉइस्चर दोनों चाहिए, नहीं तो रस्टिंग नहीं होगी रे बाबा, समझे। तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसी के लिए मैं करवा दिया हूँ, और इससे आइडिया भी लग गया कि हाँ भाई ये जो रस्टिंग होती है उसके लिए भी दो कंडीशन होता है, एयर और मॉइस्चर दोनों चाहिए तब होगी। तो इसको जल्दी से छाप लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ओके ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एकदम छोटा छोटा वीडियो आप लोग के लिए ला रहे हैं, और इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सीरीज़ में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर और भी वीडियोज, इसका पिछला वीडियोस खोजना चाहते हो, इससे पहले का, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ये सारा वीडियोस का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारा वीडियोस का लिंक डाला गया है। और ये भी नहीं करना चाहते तो YouTube पर सर्च कीजिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय विजेता सर, पूरा वीडियोज़ जो मैं बनाया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर, सारा वीडियो चल आएगा, वहाँ से देख लीजिए और इन्जॉय कीजिए, पढ़िए लिखिए और खूब तरक्की कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।